अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। एज़ यूजुअल सबसे पहले हम आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट को देख लेते हैं। यह है जी वेडनेसडे दिसंबर 22। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो यूएस की साइट पर हमें जीडीपी नंबर्स नज़र आ रहे हैं, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 2.1% है और प्रीवियस भी ये 2.1% ही आए थे। इसके साथ साथ फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स है, उसकी फोरकास्ट भी 5.9% है और प्रीवियस ये 5.9% ही आए थे। ये नंबर अगर फोरकास्ट या प्रीवियस से अबव आए तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होती है, और अगर ये प्रीवियस और फोरकास्ट से बिलो आए तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होती है। इसके बाद फिर 8 बजे यूएस की साइड पर मजीद डाटा भी है, जिसमें सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, जिसकी फोरकास्ट इस दफ़ा 111.1 है, प्रीवियस ये 109.5 आए थे। इसके साथ साथ एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स हैं और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज वगैरह हैं। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद आज कुछ ऐसा डाटा है जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकता है और ट्रेडर्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज इससे ग्रैब कर सकते हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल गोल्ड 1789 से रिकवर होकर 1800 के आसपास के हाई बनाए, पॉजिटिव जोन में इंटर होने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद यूएस सेशन में ही यूएस की बॉन्ड यील्ड्स थी उनमें हमें अपसाइड देखने में आया, जिन्होंने तकरीबन 150% के आसपास के हाई बनाए, तो उस चीज़ ने गोल्ड पर प्रेशर को बढ़ाया और दोबारा से गोल्ड ने रिवर्स होकर तकरीबन 1785 के आसपास के लो बनाए और करंटली 1788 के आसपास चल रहा है। अगर हम देखें तो COVID-19 का जो न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके जो केसेस हैं उनमें इंक्रीज हमें देखने में आ रहा है, तो उसके बावजूद भी हमें गोल्ड में आप कह सकते हैं कि उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। तो बाकी हम चार्ट पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, लेकिन COVID-19 का जो न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके जो मुतलका न्यूज़ होंगी उस पर आपने ज़रूर नज़र रखनी है। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। यह है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। कल भी हमारी बात हुई थी कि कल हमने 3 लेवल देखे थे। हमने कहा था कि ये हमारा मिडल लेवल है 96.30 का, तो कल भी इसी के आसपास ने डॉलर इंडेक्स ने लो बनाए और उसके बाद रिकवर हुआ। तो इमीडिएट सपोर्ट अभी भी डॉलर इंडेक्स के लिए 96.30 है। इसके नीचे आप कह सकते हैं कि 96.10 और 95.85 तक जा सकता है। ये लो अगर ब्रेक हुए तो हमें मजीद यानी कि डाउन साइड और अच्छा डाउन साइड नज़र आ सकता है। दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो दोबारा से अब 96.50 के ऊपर चल रहा है, तो इमीडिएट जो इसके लिए स्टॉप है वो है 96.65-68 का, ये वाला जो हाई है इसको अगर ये ब्रेक करता है तो दोबारा से 96.90 और अपने ये जो हाई हैं इसके एयरली और 97 तक जा सकता है। 97 ब्रेक करेगा तो आप कह सकते हैं कि फिर हमें मजीद फ्रेश बाइंग जो है एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स पर। यह है जी यूएस 10 ईयर का डेली चार्ट। यहाँ पर ये देखें, ये कल की कैंडल है, यहाँ पर आप देखें तो एग्जैक्टली आपको 150% के आसपास के हाई नज़र आ रहे होंगे। तो दोबारा से अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस, मैंने कल भी आपको यही बताई थी कि यही लेवल है, अगर ये 150 ब्रेक करता है करती हैं तो दोबारा से 160 और 170 तक जा सकती हैं, जो चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। और यहाँ से अगर दोबारा रिवर्स होती हैं, रिट्रीट करती हैं, तो 140 का लेवल है इमीडिएट सपोर्ट और उसके नीचे दोबारा से 133 और 130 तक जा सकती हैं। अगर ये डाउन साइड पर जाती हैं तो ये चीज़ गोल्ड के लिए फिर पॉजिटिव होगी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का चार्ट। अगर यहाँ पर हम देखें एक चीज़, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, ये हमारी 2 ट्रेंड लाइन हैं और अपर साइड पर ये हमारा एक लेवल है। अगर आप यहाँ पर देखें तो
जब गोल्ड इस एरिया से रिजेक्ट हुआ तो गोल्ड ने तकरीबन 1760 के आसपास के लो बनाए। दोबारा अगर आप देखें इस एरिया से जब गोल्ड रिजेक्ट हुआ तो गोल्ड ने दोबारा 1760 और आप कह सकते हैं कि 1753 के आसपास के लो बनाए। अब तीसरी दफ़ा आप फिर अगर आप देखें तो सेम उसी लेवल से आपको गोल्ड रिजेक्ट होता नज़र आ रहा है, तो इस चीज़ को आपने जेहन में रखना है। तो अगर हम सपोर्ट लाइन की बात करें इंट्रा डेली चार्ट पर, तो इमीडिएट सपोर्ट हमें जो इसके आसपास नज़र आ रही है, ठीक है जी, इसके नीचे अगर डेली क्लोज देता है, यानी कि डेली क्लोज बन रहा है तकरीबन 1775 के आसपास, इसके नीचे अगर डेली क्लोज देता है तो दोबारा से प्राइस जो है वो 1760-58 और अपने जो इस मंथ का लो है 1753 तक भी जा सकती है। अपर साइड पर हमारी ये कल बात हुई थी कि ये इसका एक सप्लाई जोन है और ये हमारा एक डिमांड जोन है फिलहाल, अगर हम प्रीवियस चार्ट को देखें तो इन्हीं इन्हीं में अगर आप प्राइस रहती है तो आप इन्हीं के लिहाज से भी ट्रेड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं H4 पर, तो ये है जी H4 का चार्ट। अगर हम देखें तो दोबारा से अपनी फर्स्ट सपोर्ट जो इसकी है वो आप कह सकते हैं कि 1787 का एरिया है, उसको अगर ब्रेक करता है तो आप कह सकते हैं कि 1781 और 1775 तक आ सकता है। ये वाला एरिया आप कह सकते हैं कि एक जो से आप कह सकते हैं कि मिडवे स्टॉप है, यानी कि अगर ये जो आपको $4-5 की रेंज है 1780 से 1775 के दरमियान, इससे अगर ऊपर प्राइस रहती हैं तो दोबारा से हमें रीबाउंड नज़र आ सकता है, और अगर इससे प्राइस नीचे जाती हैं तो दोबारा से हमें 1717, 1762 और इवन 1753 के लेवल नज़र आ सकते हैं, और अगर इससे ऊपर प्राइस रहती है तो दोबारा से इमीडिएट हर्डल जो गोल्ड के लिए है वो 1793 है, इसके ऊपर 1798, 1800, 1804, 1810 और 1814 तक जा सकता है। अब एक और बात, मैंने आपको बताया हुआ है कि दोबारा से हमें गोल्ड में एक फेलियर देखने में आ रहा है कि जो 200 डे है डेली चार्ट पर उसके बिलो ही क्लोजिंग दी है और 50 डे के भी बिलो है, तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि टेक्निकली एक नेगेटिव यानी कि एक साइन होता है किसी भी पेयर के लिए। तो मैं ये बार बार आपको रिकॉल करता रहता हूँ। तो चलें जी हम आज के लेवल देख लेते हैं कि आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी इंट्राडे के लिहाज से। बाकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप ज़रूर चेक किया करें, मज़ीद जो आपको डिटेल से लेवल हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो रेजिस्टेंस अभी हमारी इंटैक्ट है गोल्ड में आज के लिहाज से, वो है 1800 का लेवल राउंड फिगर, जो कल का हाई है गोल्ड का। अगर गोल्ड 1800 ब्रेक करेगा तो आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ हमें पॉजिटिव यानी कि साइन नज़र आएगा और फिर गोल्ड 1810 और 1814 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर आज जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 1781, आप राउंड फिगर ही कह रहे हैं, 1780 का एरिया हमारा जो है वो सपोर्ट एरिया रहेगा। इसके नीचे अगर प्राइस जाती है तो 1775, 1770 और 1760 और 50 तक जा सकती है। फिलहाल जो गोल्ड का ट्रेंड है वो वीक ही चल रहा है, बीरेशी है फिलहाल। कम से कम इसको 1793 के ऊपर जाए तो आप कह सकते हैं कि फिर न्यूट्रल जाएगा, लेकिन उसके बिलो चल रहा है तो फिर इस पर हमारा व्यू नेगेटिव ही रहेगा। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा। शुक्रिया।